सैंड मेयर रिएक्शन, एस ए एन डी एम ई वाई ई आर, सैंड मेयर्स रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। और अभी देखो ये जो सैंड मेयर रिएक्शन है ये क्या है कि आप लेंगे यहां पर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड और इसका रिएक्शन कराएंगे आप CU2H2 के साथ। ओके तो ये ले लीजिए, जैसे ये है N2X, तो ये दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ओके क्या ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, इसका रिएक्शन आप जब कराएंगे CU2H2 के साथ तो ये आपको देगा हेलो बेंजीन प्लस N2, गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको जो X लेना है, X मस्ट बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन, X जो है वो क्लोरीन एंड ब्रोमीन होगा क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लोरीन एंड आयोडीन के लिए किससे थोड़े अलग हो जाते हैं, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है और आयोडीन के लिए कुछ अलग ही सीन हो जाता है। आयोडीन या तो कोई ऐसे स्पीशीज प्रोड्यूस करता है जो बैकवर्ड चली जाती है या फिर कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते ही हैं, तो ज्यादातर जो आप रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं ये क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए होते हैं। ठीक है, ओके अब यहां पर एक सवाल ये आएगा कि देखिए बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के ऊपर जो हैलोजन अटैच्ड है एंड CU2H2 के साथ जो हैलोजन अटैच्ड है, क्या ये दोनों सेम होने चाहिए या अलग होने चाहिए? तो ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैं इनको कलर कर देता हूं। ये देखिए ये जो डाइजोनियम के साथ जो हैलोजन है इसको मैंने ग्रीन से बना दिया एंड CU2H2 के साथ जो हैलोजन है इसको मैंने रेड कलर का बना दिया। तो ये जो हैलोजन है जो कि बेंजीन के ऊपर आएगा एज ए प्रोडक्ट में, ये जो हेलो बेंजीन बनेगा ये कौन सा वाला हैलोजन होगा, ये CU2H2 वाला हैलोजन होगा या फिर बेंजीन डाइजोनियम का हैलोजन होगा? तो ध्यान रखिए ये CU2H2 वाला हैलोजन होगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये गलती मत कर देना कि जो बेंजीन डाइजोनियम में जो हैलाइड अटैच्ड है उसको मत कर देना। ठीक है ना, अब एक एग्जांपल से जरा इसको देख लेते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहां पे लिया है दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके इसका रिएक्शन अगर मैंने कराया CU2Cl2 के साथ सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? ये तो बड़ा आसान है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दिस विल बी क्लोरोबेंजीन, दिस विल बी क्लोरोबेंजीन। ओके प्लस N2 जो है वो उड़ करके अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके बड़ा आसान था, लेकिन दिक्कत तब शुरू हो जाएगी जब हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको चेंज कर देंगे और ये जो CU2Cl2 है इसको मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, ये देखिए लेट्स से N2Cl ये बेंजीन है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस एंड इस बार मैंने ये ले लिया CU2Br2। तो जिन जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ा है, समझा है, याद किया है तो उनको समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्या अटैच होगा, ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन अटैच होगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। ऑलराइट, प्लस जो ये N2 है ये अलग हो जाएगा। ओके एंड व्हाट दिस बिकम, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये ध्यान में रखना कि ये जो आप CU2H2 लेते हो इसका हैलोजन आएगा बेंजीन के ऊपर इन द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? फिर एक और सवाल यहां पर ये भी था कि सर आपने कहा था कि नाइट्रोजन दूर दृष्टि रखता है, नाइट्रोजन दूर की सोचता है, क्या दूर की सोचा सर नाइट्रोजन? दूर की नाइट्रोजन ने ये सोचा कि नाइट्रोजन देखो यहां पर एज ए N2 बन करके उड़ गया, देख रहे हो क्या, N2 मतलब गैसेस फॉर्म में उड़ गया और गैसेस के पास तो भाई सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है, मतलब नाइट्रोजन का उड़ना एंट्रोपी सपोर्ट करता है। तो नाइट्रोजन ने ये जितना भी खेल रचा, एनिलीन जो था, एनिलीन ने नाइट्रोसोनियम के साथ जो रिएक्ट कराया, राइट, एनिलीन जो था वो नाइट्रोसोनियम के साथ जब रिएक्ट हुआ तो नाइट्रोजन के मन में ये ही था कि रिएक्ट हो करके लास्ट में जब फाइनल रिएक्शन होगी तो मैं तो N2 बन करके उड़ जाऊंगा, मैं तो N2 बन के उड़ जाऊंगा क्योंकि मुझे एंट्रोपी सपोर्ट करेगा। नाइट्रोजन निकल लिया,
राइट, नाइट्रोजन जो था वो एज ए गैस बनकर के निकल गया क्योंकि एंट्रोपी वॉज सपोर्टिंग नाइट्रोजन। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो नाइट्रोजन के एमिशन को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए नाइट्रोजन उड़ गया और बदले में क्या बच के क्या बनकर तैयार हुआ, हेलो बेंजीन। एंड दिस इज द सेंडमेयर रिएक्शन, ये जो है ये सेंडमेयर रिएक्शन है। दिस इज फॉर क्लोरिन एंड ब्रोमिन, फॉर क्लोरिन एंड ब्रोमिन। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि फ्लोरिन के साथ क्या होगा भाई, तो फ्लोरिन की अलग रिएक्शन है एंड जो फ्लोरिन की रिएक्शन है उसे हम पढ़ेंगे अंदर बेल सेकमैन रिएक्शन। तो लिखिए दूसरा वाला, दिस इज फॉर फ्लोरिन एंड दिस इज बेल सेकमैन रिएक्शन। अब हो सकता है प्रोनाउंसिंग में मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, पर प्रोनाउंसिंग में क्या रखा है, एग्जाम में हमको तो लिखना है ना। एक बार जरा स्पेलिंग भी चेक कर लीजिएगा, बेल सेकमैन रिएक्शन। अब ये जो है ये किसके लिए है, फ्लोरिन के लिए, दिस इज फॉर द फ्लोरिन राइट। अब चलिए देखते हैं कि जो फ्लोरिन है वो कैसे बनाएगा ये, लेट्स सी। अगेन लेंगे हम लोग क्या, डाइजोनियम ही लेंगे। सी हमने लिया डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl बेंजीन, डाइजोनियम सॉल्ट हम लोगों ने लिया। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं HBF4 के साथ, HBF4 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो जो इंटरमीडिएट यहां पर प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है, दिस इज N2BF4-, क्या बनता है N2BF4-, क्योंकि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है और ये जो Cl है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और उड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर, यहां पर हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ HCl, क्या हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ HCl, HCl चला गया। अब जब HCl यहां पर चला गया तो ये जो स्पीशीज है, फर्दर अगर आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर यहां पर रह जाता है फ्लोरीन, यहां पर रह जाता है फ्लोरीन। नाइट्रोजन बोलता है कि मुझे तो एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है, मैं तो चला, उड़ गया नाइट्रोजन। एंड बाकी जो बनता है साइड में वो होता है BF3, जो बाकी जो सामने बचता है वो क्या बचता है, BF3 बनता है। जरा देखो, नोटिस करो जरा, N2BF4 में ये जो N2 है, N2 तो उड़ गया, BF4- में ये जो F है फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो जाकर के ऊपर चिपक गया बेंजीन रिंग के ऊपर, और जो बच करके आया सामने वो क्या आया, BF3। जो सामने बच के आया वो क्या आया, BF3 राइट। इज दिस क्लियर। तो ये जो प्रिपरेशन मेथड था ये किसके लिए था, फ्लोरोबेंजीन के लिए, फ्लोरोबेंजीन के लिए। दिस प्रिपरेशन इज फॉर फ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरोबेंजीन के लिए था। क्लियर, ओके। अगर आपको आइडोबेंजीन बनाना हो तो आप क्या करेंगे, तो आइडोबेंजीन के लिए एक अलग रिएक्शन है, बट जिस बंदे ने ये रिएक्शन बनाया उसने नाम ही नहीं दिया। सो दिस डजंट कम्स अंडर बेल सेकमैन रिएक्शन और ना ही ये सैंडमेयर रिएक्शन के अंडर में आती है, ये इसका कोई नाम ही नहीं है, नो नेम, बट ये है प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन। तो इसको मैं सी के नाम से लिखता हूँ, इसका कोई नाम नहीं है, इसको ना तो बेल सेकमैन के अंडर में लिखेगा और ना ही इसको सैंडमेयर के अंडर में लिखेगा, इसका कोई नाम ही नहीं है, पर काम तो है, तो इसीलिए याद तो हम इस बंदे को ज़रूर करेंगे। सी ये ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके, इसका रिएक्शन कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और इसको हीट किया। हीट करने के बाद ये हुआ कि यहाँ पर चिपक गया आयोडीन, प्लस KCl अलग हो गया, प्लस नाइट्रोजन अलग हो गया, उड़ गया नाइट्रोजन। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन, इसे बनके तैयार हुआ आइडोबेंजीन। दिस इज फॉर आइडोबेंजीन। याद रखिएगा ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, इसको किसी के अंडर में मत डालना। इसमें चाहो तो आप जस्ट ये लिख सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, इसका कोई नाम नहीं है, इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है। एक और है डी वाला, एक और नेम रिएक्शन है जो कि
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ही इस्तेमाल करती है और उसका नाम है गटरमैन रिएक्शन, GATERMANN, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। ओके, क्या है ये गटरमैन रिएक्शन? तो अगेन N2Cl और ये डाला बेंजीन, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे CuHCl के साथ। ओके, CuHCl के साथ, एंड इससे बन करके तैयार होगा क्लोरोबेंजीन। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है, जैसा आपने इससे पहले सैंडमेयर में रखा था, कि N2Cl का Cl यहां पर आएगा प्रोडक्ट में, या फिर ये जो Cu के साथ जो HCl यूज करें वो आएगा। सो द थिंग इज कि ये जो HCl का जो Cl है ना, ये आएगा प्रोडक्ट में, ठीक है, ये आएगा प्रोडक्ट में, क्लियर है। अब एक और जैसा इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन मोर। ये अगेन सेम डाइजोनियम सॉल्ट, इसका रिएक्शन कॉपर एंड HBr के साथ, तो क्या होगा? यहां पर आ जाएगा Br एंड ये होगा ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, दिस विल बी द ब्रोमो बेंजीन, क्लियर है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन बाय डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट में आपने चार रिएक्शंस देखी, जिसमें से तीन नेम रिएक्शन थी और एक गुमनाम रिएक्शन, तीन रिएक्शन थे। पहले तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपने क्रिएट करवाया। ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का क्रिएशन है, ये इस वक्त आपके चैप्टर में नहीं दिया है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स में ये चीज नहीं दिया है, लेकिन जब आप एमाइंस करोगे उसमें ये दिया रहेगा। तो जो हम लोग बाद में करने वाले थे वो हम लोगों ने पहले ही कर दिया, तो पहले करने से ये फायदा होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो पहले क्लियर हो गए, तो अब आगे का काम हमारे लिए और आसान हो जाएगा, और जब हम उसमें करेंगे तो हमारे लिए रिविजन हो जाएगा। ओके, तो पहला हिस्सा क्या था? डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन, एंड उसके बाद जो चार रिएक्शन थी, सैंडमेयर रिएक्शन, बेल सेकमैन रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन, एंड चौथा जो था बिना नाम वाला, ये चार रिएक्शन इसके अंडर में आती हैं, करेक्ट। सैंडमेयर रिएक्शन क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए है, उसके बाद दूसरी बेल सेकमैन रिएक्शन, ये फ्लोरीन के लिए थी, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन के लिए थी, जो नो नेम वाला था ये आइडोबेंजीन के लिए थी, एंड जो गटरमैन था ये एक अलग है, जिसमें आप क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन दोनों बना सकते हो, बट क्योंकि इस्तेमाल आपने डाइजोनियम क्लोराइड ही किया था, डाइजोनियम सॉल्ट ही किया था, इसलिए हम इसको इसके अंडर में डाल रहे हैं। इसके बाद तीसरा है इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपेयर करने का। बुक में भले ही आपको कम रिएक्शंस दी गई हो, लेकिन हम लोग वो सारी रिएक्शंस लिख रहे हैं जो आने वाले चार चैप्टरों में आप पढ़ेंगे, हेलो एल्केन हेलो एरेन्स में, एल्कोहल फेनॉल ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में एंड एमाइंस में। तो ये जो भी आप इन चारों में पढ़ोगे, जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी हम लोग अभी स्टार्टिंग में लेंगे। तो पहले ही अगर चीजों का रिवीजन हुआ रहेगा, पहले ही चीजें अगर पढ़ी रहेंगी, तो बाद में हमारे लिए काम आसान हो जाता है, जो बाद में पढ़ना है वो हमने पहले पढ़ लिया। ओके, तो अब हम लेंगे अगली वाली इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, या फिर प्रिपरेशन तो हम देख ही रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेथड क्या है प्रिपेयर करने के। ओके, तो इंडस्ट्रियली हम लोग यूज करते हैं फेनॉल का, व्हाट वी यूज इज फेनॉल। तो ये देखिए, ये हमने लिया फेनॉल, बेंजीन, तो दिस इज बेंजीन। वैसे बेंजीन में हर जगह पर हाइड्रोजन होते हैं, मैंने यहां पर हाइड्रोजन ऊपर वाला इसलिए दिखाया है ताकि मैं ये दिखाना चाहूं कि ऊपर वाला हाइड्रोजन ही रिप्लेस हुआ है, बाकी अपनी जगह पर है। ओके, तो ये मत समझिएगा कि इस बेंजीन में बाकी जगह पर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है बाकी जगह पर। ये रिएक्ट करता है विद 2HCl इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन एंड HCl के साथ, और साथ में CuCl2 मौजूद रहता है, और इससे तैयार होता है
क्लोरोबेंजीन प्लस 2H2O, दिस इज क्लोरोबेंजीन प्लस 2H2O. सो ये जो है ये इंडस्ट्रियल मेथड है. अब इंडस्ट्रियल मेथड जब भी कोई बोलता है तो इससे क्या समझ में आता है, इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब होता है कि आप जो भी प्रोड्यूस करें सस्ते में प्रोड्यूस करें, जल्दी प्रोड्यूस करें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, रेगुलरली उसकी सप्लाई होती रहे, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसकी रेगुलरली सप्लाई होती रहे, उसको स्टोर इजिली किया जा सके, ठीक है ना. तो जब इतने सारे फैक्टर्स मिलजुल करके शामिल होते हैं तब जाकर के वो इंडस्ट्रियली अप्रूव की जाती है. वरना लेबोरेटरी में तो आपको जब छोटा मोटा अमाउंट प्रिपेयर करना होता है तो आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, किसी भी चीज इन द सेंस, मतलब अगर कोई चीज महंगी भी आ रही है तो भी आपने उसका इस्तेमाल कर दिया, क्यों, क्योंकि छोटा सा ही प्रोड्यूस करना है. लेकिन जब आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रिपेयर करना होता है, इन द मीट्रिक टन, जब आपको वर्ल्ड वाइड सप्लाई करना है, तो आपको इन सारे फैक्टर्स का ध्यान में रखना होता है. ओके, तो ये तो था इंडस्ट्रियल मेथड. एक चौथा मेथड भी है, एक चौथा मेथड भी है जिसे हम बोलते हैं हंस डाइकर्स रिएक्शन, हंस डाइकर रिएक्शन. अब ये जो हंस डाइकर रिएक्शन है ये ब्रोमीन के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ब्रोमीन के लिए ज्यादा अच्छा है, मतलब ब्रोमो बेंजीन के लिए ज्यादा बेटर रही है. ओके, तो इस मेथोडोलॉजी में होता क्या है कि आप एक सॉल्ट लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, व्हाट यू टेक इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, और वो भी कैसा, यू टेक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको यहां पर लेना होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक, देखिए ये तो हो गया ARCOOH. ओके, इसका रिएक्शन जब आप कराते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होता है कि यहां से ये OH अलग हुआ और यहां से H अलग हुआ, तो बदले में जो बनता है वो होता है ARCOO- एंड Ag+, ठीक है. तो पहला तो ये जो था ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, दिस वाज कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड ये क्या है, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वाज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, अब ये जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका फर्दर रिएक्शन कराया जाता है विद द ब्रोमीन, मतलब ये देखिए दिस वन ARCOOAG, इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखिए जरा क्या होता है, CO2 यहां से उड़ जाता है, जो CO2 है वो उड़ जाता है, उड़ गया CO2. ओके, फिर एक Ag और एक Br आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये देखो ये यहां से Ag है और एक Br यहां से कंबाइन हो जाते हैं और क्या बन के तैयार होता है, तो एक तो यहां पर देखिए जरा, एक तो यहां पर पहले CO2 अलग हो गया प्लस एक Ag और Br अलग हो जाएगा, AgBr प्लस ये जो Ar है ये जुड़ जाएगा ब्रोमीन के साथ. तो क्या ये ब्रोमो बेंजीन बना, क्या ये ब्रोमो बेंजीन बना, ठीक है, क्या ये ब्रोमो बेंजीन बना. सी, अगर ये बेंजीन रिंग होगी तो ही ब्रोमो बेंजीन बनेगा, लेकिन बेंजीन के साथ अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो आप अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर बात करेंगे. तो मैं ये जो बता रहा हूं ये तो एक स्केल्टन रिएक्शन आपको बता रहा हूं, मैं तो जस्ट आपको स्केल्टन बता रहा हूं, बाकी करना आपको वही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. वहां पर कौन सा एल्काइल ग्रुप दिया है, वहां पर कौन सा एराइल ग्रुप दिया है, उसके हिसाब से आपको यहां पर डाटा फीड अप करना है और उसका आंसर निकाल देना है. ओके, तो ये जो मैंने लिखा है ब्रोमो बेंजीन, जरूरी नहीं कि हर बार ब्रोमो बेंजीन बनेगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है ना कि जो आपने एराइल ग्रुप ले रखा है ये कौन सा ग्रुप है, जो एराइल ग्रुप आपने ले रखा है ये कौन सा ग्रुप है. ओके, उसके हिसाब से बात होगी. ऑलराइट, तो ये जो मेथड था ये मेथड है हंस डाइकर मेथड, और क्या बन के तैयार हुआ, ब्रोमो बेंजीन. तो टोटल हम लोगों ने 4 तरीके देखे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स.